चाहे मैं जन्म लूं या ना लूं, मेरा ज्ञान अनुगामी होगा, मेरा ज्ञान अनुगामी होगा। मैंने जो पढ़ लिया इसको दोबारा नहीं पढ़ूंगा, जो मैंने बोल दिया इसको दोबारा नहीं बोलूंगा, जो मैंने सोच लिया उसको दोबारा नहीं सोचूंगा, मेरा ज्ञान नया नया होगा, ऐसी भावना मैंने भाई है। बोलो कौन चाहता है, कौन नहीं चाहता है कि मेरा ज्ञान ऐसा हो जाए कि जो मैं पढ़ूं वो कभी नहीं भूलूं। यदि ऐसा ज्ञान तुम्हें चाहिए है तो ये 16वें नंबर का जो श्लोक है, बुद्धिहीन लोग, विस्मृति वाले लोग, भुलक्कड़ लोग, जो बहुत जल्दी इधर सुनते हैं इधर भूल जाते हैं, उनको ये 16वें नंबर के काव्य का पाठ करना चाहिए। कैसे हैं भगवान आप, कैसे हैं भगवान आप। मैंने एक दिन कहा था ना, पहले दिन, जो जो तुम चाहते हो वह किसी में देखो, और जो जो जिसमें पाया जाए उसकी जितनी प्रशंसा हो उतनी प्रशंसा करो। तुम्हारी प्रशंसा से उनको फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन तुम्हारा भुजता हुआ दीपक अमर हो जाएगा, जो भुजेगा भुजेगा नहीं, उनके दीपक पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अपन ना भी कहें भगवान से कि आप एक अपूर्व पूर्व दीपक है जो निर्धूम बाती से रहते हैं, ना भी कहें तो वे तो हैं, लेकिन ऐसा अपन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ऐसा दीपक मेरा भी हो जाए। जब भी आपको ऐसा लगे मैं तो बहुत भूल रहा हूं, भुलक्कड़ हूं, प्रवचन में इसको 9 बार पढ़ के बैठा करो, पूरा प्रवचन याद हो जाएगा, ये 6 महीने करो, 6 महीने का पीरियड है। मंद बुद्धि वालों को दे दो ये कि सवेरे उठ करके इस पाद का वो 9 बार पाठ करो, 27 बार पाठ करे, 108 बार पाठ करे, बस 6 महीने इसका प्रैक्टिकल करा लो। बहुत मंद बुद्धि है, पागल नहीं होना चाहिए, विक्षिप्त नहीं होना चाहिए, उनके लिए मंत्र काम नहीं करेगा। जो विक्षिप्त नहीं है, पागल नहीं है, विवेकवान है, सब कुछ ठीक है, लेकिन भूल जाते हैं जल्दी। कितने ही पढ़ा दो वहां उनको कोई याद नहीं होता, आगे पाठ और पीछे सफा, हिस्ट्री ज्योग्राफी बेवफा, रात भर रटा दिन में सफा है। उन लोगों के लिए कम से कम 9 बार पढ़ो तो सही। देखो श्रद्धा से पढ़ना, निर्धूम वर्ते रप वर्जित तेल पूरा कृष्णं जगत्त्रयमिदं प्रकटी करोषि नम्यो न जातु मरुता चलिता चलानाम दीपो परस्तमसि हथ जगत प्रकाशः। पहले करो तो सही, जो हम चाहते हैं जिन्होंने पा लिया उनकी प्रशंसा करना तो सीखो,